यमुनानगर एंटी नारकोटिक्स सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। स्मैक की बड़ी खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। 310 ग्राम स्मैक के साथ कलानोर से एक तस्कर को एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 15 लाख के करीब है। पकड़े गए आरोपी आमिर खान को बरेली का मुख्य तस्कर माना जाता है। इस मामले में उत्तर प्रदेश और बरेली के पुलिस अधिकारियों के साथ यमुनानगर पुलिस की अहम बैठक होगी, ताकि यूपी सीमा से हरियाणा की सीमा में आने वाली नशे की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो सके। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। पकड़े गए तस्कर को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लिया जाएगा, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। एसपी कमलदीप गोयल ने बताया कि पकड़ा गया आमिर इससे पहले 60 ग्राम स्मैक के मामले का भी आरोपी है। 15 लाख के लगभग, क्योंकि एक्चुअली क्या है, इसका जो प्राइस है, शुरू में जिस प्राइस पे खरीदते हैं और जो कस्टमर तक एंड में पहुंचता है, तो उसमें भी कम से कम 3 या 4 गुना की का इजाफा हो जाता। तो अगर हम कस्टमर की बात करें कि जिस कीमत पे कस्टमर तक जाना था, तो उसकी कीमत 15 लाख। सारे नाम फॉर द सेंक्टिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन और फॉर द पर्पज ऑफ सीक्रेसी सारे नाम अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये आप ये समझिए कि ये गाँव है जहाँ पे कुछ लोग, या हो सकता है उस गाँव में काफ़ी लोग स्मैक का प्रोडक्शन कर रहे हो, फिर कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश में ही हमारे आसपास के जिलों के रहने वाले हैं, वो वहाँ से उस स्मैक खरीदते हैं और फिर उस स्मैक की सप्लाई हमारे यहाँ के तस्करों को होती है। हमारे यहाँ के तस्कर भी दो श्रेणी के हो सकते हैं। एक जो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, मान लीजिए 20 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, फिर उसके बाद फिर वो और छोटे तस्करों को देते हैं। तो इस सारे नेटवर्क पर हमारा हम इस केस पर काम करें सर। जो हमारे आसपास के जिलों के, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस अधीक्षक हैं और बरेली के भी, वहाँ के पुलिस अधिकारियों से हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। कल मैं जो हमारे रेंज के एडीजी हैं मेरी, उनसे भी चर्चा हुई, तो उन्होंने भी कहा कि जल्दी ही हम उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से इस बारे में मीटिंग करके चर्चा करें।